उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जयकारा मन ही मान। या और क्या नाम कहते, मैं तो मेरे को न कोई पहचान सका आज तक और तुमने मेरे को पहचान लिया। तो दोस्तों फिर उन्होंने कहा तू बता ये बच्ची को परेशान क्यों कर रहा है और क्यों उसको पीछे लग रखा है, तो उसका घर बसने दे और सही से अपना वो होता है, मुझे भेड़ हेड़ कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा, तुम्हारा जब भला हो जाएगा तो तुम बाद में जब भी मेरे को अपनी खुशी से दोगे तो मुझे मंजूर होगा तो मैं ले लूँगा। नचाया तो दोस्तों फर्स्ट क्लास पगड़ी चढ़ाई गोलू देवता को, एक पगड़ी बना के इनने पगड़ी चढ़ाई और ये चढ़ाया। उसके बाद दोस्तों गोलू देवता की जागरा लगाई घर में, जागरा लगी और गोलू देवता नाचे और नाचने के बाद फिर इनकी पूजा करते हैं। आप अगर देखोगे ना जितने भी मतलब जो बोला है, जैसे आप महादेव ने उनको कभी आप देख लेना, कभी आप जैसे विष्णु जी की कथाएं हैं, तो दोस्तों मेरे को तो दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं आ रही हैं दोस्तों कि दोस्तों आप लोग विश्वास नहीं करोगे दोस्तों। उत्तराखंड घुमलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घुमलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में हेमचु पहाड़ी चैनल में एक बार फिर से दोस्तों। और दोस्तों जो मैं आज एक कहानी लेकर आ रहा हूँ ये गोलू देवता की सच्ची घटना पर आधारित है दोस्तों, और आप भी अगर कहानी सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। ऐसी कहानी दिल हिला देने वाली कहानी है दोस्तों। और दोस्तों जो ये कहानी लेके आ रहा हूँ मैं और जो सच्ची घटना है, एक चीज़ और है दोस्तों, जब हमारे पर कभी किसी पर परिवार में कहीं पर जिस पर बीतती है ना दोस्तों, वही जानता है इस चीज़ को और दर्द को हर चीज़ का। हमारी जब अंगली में दर्द लगती है, अंगली कटती किसी का कुछ भी होता है, तो वो दर्द का एहसास केवल उसी को होता है दोस्तों कि यार मेरी उंगली कट गई, मेरे को कितना दर्द हो रहा। बाहर वाला दूसरा वाला केवल उसमें सहानुभूति कर सकता है, अरे उंगली कट गई, अरे उसके बाद जाएगा वो खाना खा लेगा। लेकिन वो जिसके उंगली में लगी है उसको पता है कि मैंने अब खाना कैसे खाना है, क्या खाना है, और तो वही होता है दोस्तों। जिसकी जीभ कटती है उसी को दर्द का एहसास होता है ना, बाकी तो सामने वाला उसको खाली महसूस करता है। तो दोस्तों वही चीज़ होता है, जो घटनाएँ होती हैं जब जिसके पास होती है वो उस टाइम पर दोस्तों कहीं से भी एक डूबते हुए को एक तिनका सहारा मिल जाए, बस वो उसी सहारे से दोस्तों नया पार लगा देते हैं। तो मैं ये कहानी पर आता हूँ, सच्ची घटना पर आधारित है दोस्तों। और उससे पहले मैं सभी देवताओं का एक बार आह्वान कर देता हूँ श्लोक के माध्यम से, और फिर मैं दोस्तों कहानी पर आता हूँ। प्रथम गणेश वंदना करूं, धरूं गुरु का ध्यान, आये कंठ विराजिए, करूं मैं गोलू देवता की लीला का वखान। जय हो गोलू देवता, सदा रक्षा करना हे गोलू देवता। यार जन जन के हो यार तुम, जगह जगह तुम्हारा दवास है, हर जगह हो यार गोलू देवता, सदा रक्षा करना अपने यार। तो दोस्तों मैं कहानी पर आता हूँ गोलू देवता की सच्ची घटना पर। और दोस्तों सभी गुरुओं को मेरा सादर आदेश और सभी को सादर प्रणाम। दोस्तों मैं कथा पर आता हूँ दोस्तों। यह कथा हमारे सब्सक्राइबर ने दी है जिनका नाम राजेंद्र कुमार है और टिहरी जिले के रहने वाले हैं, और उस तरफ से आप देख सकते हो दोस्तों मेरे पर यहाँ पर स्क्रीन पर मैं हल्का सा उनका दिखा रहा हूँ। बाकी जो इसमें दर्शक वगैरह जो भी रहेंगे जिन पर आपत्ति वगैरह सब दोस्तों नाम चेंज हो जाएंगे। बाकी आप ये देख सकते हो दोस्तों हल्का सा, इनने बोला कि मेरे से अगर कहानी में कहीं पर टूटी या कहीं पर कुछ बताने में या कुछ भी अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो मैं उसमें क्षमा चाहता हूँ, और गोलू देवता की एक बार जय करके जयकार का नारा लगा रखा, बोलो गोलू देवता की जय। तो दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर हैं राजेंद्र सिंह नेगी जी हैं, टिहरी ज़िले के रहने वाले हैं। यह टिहरी ज़िले की कहानी है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको यहाँ कैसे, आप यहाँ कभी जाना चाहो तो किस तरीके से जा सकते हो दोस्तों। आप उत्तराखंड राज्य में आ जाओ कहीं से भी पहले, फिर दोस्तों आप हरिद्वार से या कहीं से भी आप वहाँ टिहरी ज़िले में पहुँचे, और दोस्तों जब टिहरी ज़िले में पहुँच जाओगे तो दोस्तों आप चंपा ब्लॉक है, चंपा ब्लॉक में जाना, और चंपा ब्लॉक से दोस्तों आप चंपा ब्लॉक से ऐसे होगा दोस्तों 10-15-20 किलोमीटर और होगा गांव के अंदर। तो दोस्तों गांव का नाम है मडुआ गांव है, वहां से दोस्तों इनका चौकी वगैरह इनके चलता है दोस्तों, इनके जो घर पे जो भाई लोग हैं जो चौकी वगैरह देखते हैं। तो दोस्तों और ये जो राजेंद्र सिंह नेगी जी हैं ये बाहर जॉब करते हैं और अपना जीवन बिहार जॉब करके व्यापन करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यह घटना जो आती है ये सच्ची घटना पर आधारित है दोस्तों। जो इनके भाई हैं घर में, दो भाई हैं, एक का नाम राजेंद्र सिंह हो गया और दूसरे का नाम दोस्तों लक्ष्मण जी हो गया। अब दोस्तों मैं किरदार चेंज कर देता हूँ, राम और श्याम दोस्तों, ठीक है। अब जो घर पर हैं वो राम जी हैं और श्याम जी बाहर हैं। तो
तो दोस्तों अब ये क्या करते हैं, घर पर अपना जो छोटे वाले राम जी हैं वो घर पर अपना गुरु देवता की बहुत बड़े भक्त हैं और उनने बहुत मतलब तपस्या और भक्ति वगैरह जो करी है गुरु देवता की, वो आजीवन गुरु देवता के भगत है और गुरु देवता का आशीर्वाद उनको मिला हुआ भी है और गुरु देवता के आशीर्वाद से वो जगत कल्याण के काम भी करते हैं। जहाँ किसी का भला हो जाए किसी का बुरा हो जाए वो सब देखना देखना गुरु देवता से शक्ति मिली है दोस्तों उनको। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, मैं शुरू में ही रख देता हूँ कि दोस्तों जो हमारे राम जी हैं ये इतने अच्छे आदमी हैं, ये कहीं भी जाते हैं कहीं भी मतलब देखना जागना और इतने लोगों का भला कर दिया है इनने गुरु देवता का नाम ले लेके आज तक, और कहीं से इनने एक रुपया नहीं लिया है भेंट से। मतलब जो भेंट दे दी वो तो चलो भेंट तो चलो अपने इच्छा से जो आपने दे दिया हाथ में कि आज चाहे 10 रुपये या 5 रुपये वो आप दे दोगे तो मान जाएंगे, लेकिन अपनी मांग कुछ नहीं है कि यार हाँ मैं तब जाके तुम्हारे घर पे आऊँगा तब जाके तुम्हारा भला करूँगा मुझे इतने पैसे दोगे या इतने वो दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो रख दोगे श्रद्धा से चाहे 1 रुपया चाहे 2 रुपया, और भेंट की कि भेंट रखना जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि आपको बोला जाता है ना कोई भी आप गुरु से ध्यान लोगे या कुछ भी शिक्षा लोगे जब तक आप वो गुरु को भेंट नहीं दोगे तो आपकी शिक्षा अधूरी मानी जाती है, गुरु दक्षिणा जरूर देनी होती है। और दोस्तों जैसे मैं आप लोगों को कहानी दिखा रहा हूँ कुछ भी सुना रहा हूँ, जैसे मेरे एक दिन में सब्सक्राइबर कितने देखते हैं मेरे वीडियो को देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं क्योंकि दोस्तों उन्हें पता है। अब दोस्तों जब ये आप ज्ञान ले रहे हो कहीं से तो दोस्तों आपका फर्ज बनता है कि यार हम सब्सक्राइब करें पहले तो ज्ञान का, क्योंकि दोस्तों अब वो आपकी भेंट स्वरूप मेरे को लग जाती है, जैसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप भेंट स्वरूप। और दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, मैं मजाक भी कर रहा हूँ, आप चाहो तो देखो आपकी मन इच्छा है, आप चाहो तो करो नहीं करो, लेकिन आप जब भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके रखते हैं तो बेल आइकन की घंटी को ऑन कर रखते हैं तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा अपना तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों दूसरी बात और भी है कि जैसे आप नोटिफिकेशन आ जाता है आपके पास कभी भी, या आपको मेरा मन करे आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो दोस्तों एक वीडियो देख के अगर आपको लगे कि यार वो नहीं है तो आप दूसरा वीडियो देखें तीसरा वीडियो देखें, जब आपको लगे कि हाँ यार चैनल अच्छा है हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं तो दोस्तों फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, आप जबरदस्ती आप ये मत समझना कि यार हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं आप ठीक है वो तो मैं वाली बात है। तो दोस्तों और दूसरी बात है दोस्तों, आप जैसे कभी भी हमारे चैनल के माध्यम से कोई आपके साथ या ऐसी कोई आपत्ति या ऐसी कोई आप बीती हुई है जो घटना आपको दोस्तों दिल हिला देने वाली है और जो लोगों को लगे कि आपको यार हाँ ये भगवानों की घटना है ये जन तक जाए और भगवान का प्रचार कर जाए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ये छिपा देते हैं लेकिन छिपाने वाली बात नहीं होती दोस्तों, अगर भगवान ने वो रक्षा करी है आपकी तो आपका फर्ज है वो भगवान का प्रचार करने के लिए। पहले से ऐसा होता था कि लोग अपने घर से साधु बन जाते थे कि भगवानों का प्रचार करने के लिए, आज के टाइम पर तो इतना नेट का माध्यम है सब कुछ है तो हमें अपने अपने क्षेत्र से भगवान का प्रचार करना चाहिए। और दोस्तों चाहे कोई भी हो, चाहे किसी पर कितने बड़े देवता नाचते हो चाहे कोई उसी देवता में नाचते हो, अगर आप गलत हो या मैं गलत हूँ मेरे को कभी भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं भगवान का प्रचार कर रहा हूँ तब जाके ये चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हमें भगवान के भक्त हैं माध्यम से और हम बड़े खुशनसीब हैं जो मुझे भगवान ने इसलिए चुना है। और दोस्तों अगर देखो मैं गलत करूँगा कहीं पर मैं पाप करूँगा तो दोस्तों मेरे जैसे तो कई भक्त हैं भगवान के गुरु देवता के, मेरे से भी बड़े बड़े दुनिया में कई भक्त हैं और लोग भक्त भक्ति करते करते जिनने अपना जीवन बिता दिया। तो दोस्तों कभी अहम भाव नहीं रखना चाहिए कि हम बहुत बड़े भक्त हैं और हम एक दो गलतियाँ कर भी देंगे तो हमें भगवान माफ़ कर देंगे, कभी नहीं दोस्तों। भगवान जहाँ सत्य है सत्य में जयति, जहाँ सत्य है वहाँ विजय है दोस्तों, वहाँ पर भगवान खड़े हैं। आप हमेशा सत्य की तरह खड़े हैं तो आपके साथ हमेशा भगवान खड़े हैं, आप जहाँ पर असत्य हैं दोस्तों तो आपके साथ कोई भगवान नहीं खड़ा है, चाहे आपकी एक गलती हो चाहे लास्ट गलती हो, हमेशा याद रखा नहीं पाता हूँ सीधा दोस्तों। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, जो राम जी होते हैं वो घर में पूज वगैरह करते थे डेली। तो दोस्तों उस टाइम पर क्या हुआ, श्याम भाई भी घर में आ रखे थे अपने, तो दोस्तों जब श्याम भाई भी घर से आ रखे थे जॉब में आ रखे थे तो इनके घर में क्या हुआ, एक लेडीज़ आई थी पूज कराने। अब दोस्तों मैं वो लेडीज़ के फैमिली के उसमें आता हूँ, लेडीज़ का रेखा है और पति का नाम है दीपक। तो दोस्तों अब इनकी परिस्थिति जरा मैं इनके बारे में बता देता हूँ दोस्तों। दोस्तों इनकी शादी हुई है, इनकी शादी हुई काफ़ी टाइम हो गया था दोस्तों, इनके कोई घर में कोई औलाद बच्चे वगैरह कुछ नहीं थे। अब दोस्तों जब होता है किसी औरत के घर में या बच्चे नहीं होते तो वो स्त्री समझ सकती है औलाद का सुख क्या होता है दोस्तों, अगर किसी औरत के बच्चे नहीं होते हैं तो हम चाहे कितना भी बोले दोस्तों लेकिन वो औरत को पता रहता है कि औलाद क्या होती है और एक औरत के लिए माँ बनना कितना वाला होता है। तो दोस्तों इनके घर में कोई औलाद का कोई सुख नहीं था, तो दोस्तों इनने काफ़ी भगवानों की पूजा पाठ वगैरह करी तो इनके घर में बाद में एक औलाद का सुख हुआ। अब जब दोस्तों औलाद का सुख हुआ
तो दोस्तों जब इनके घर में बच्चा वगैरह होने वाला था, ऐसे हो गए थे 3-4 महीने हो गए थे बच्चे को, 3 महीने करीबन हो गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों जब पेट में बच्चा था तो इनके पेट में क्या हुआ, बच्चा जो था वो एक्सपायर हो गया दोस्तों, मर गया। तो दोस्तों इनने अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड कराने के बाद कई जगहों दिखाया तो डॉक्टरों ने बोल दिया, डॉक्टरों ने बोला दोस्तों, तभी जाके उन्हें पता लगा कि बच्चा मर गया। तो दोस्तों बच्चे को दिखाया इनने, काफ़ी उनको काफ़ी उनकी जो पत्नी थी काफ़ी रोई विलाप करा दोस्तों। ये होता है दोस्तों, एक माँ के लिए दोस्तों अपने बच्चे को खोना कितना वो रहता दोस्तों, वो माँ ही जान सकती है दोस्तों, हम चाहे कुछ भी बोलें। तो दोस्तों वो माँ ने खूब रोई विलाप करा और दोस्तों डॉक्टर ने कहा कि एक जगह से अल्ट्रासाउंड से नहीं होता, उन्होंने दूसरी जगह कराए, 3-4 जगह कराए, सब जगह कराए, तो 10 मतलब 4-5 जगह दोस्तों वही आया अल्ट्रासाउंड में कि बच्चा मर चुका है। और डॉक्टर ने कहा जल्द से जल्द आप पेट की सफाई कराओ और नहीं तो ये माँ के लिए भी खतरा है, ये माँ के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों एक माँ ने कहा यार ये क्या हो सकता है, और जो इसके घर वालों ने भी कहा यार आप क्या होगा, तो ये तो बड़ी समझा। और जो लेडीज़ थी दोस्तों वो किसी चीज़ के लिए राजी नहीं होती, उन्होंने कहा नहीं मेरा बच्चा है और ये है सो करके, दोस्तों हर तरीके से वो हुआ। तो दोस्तों अब क्या हुआ दोस्तों, जब लेडीज़ के घर वाले और जो मायके वाले आए, उनने भी कहा यार ये तो बड़ी, और लड़की मान नहीं रही थी, तो उनने कहा यार एक चीज़ करते हैं, हमने सारी चीज़ डॉक्टर को सब पैसा ऐसा हमने देख ही लिया है, सारे डॉक्टर को देख ही लिया है, हम एक काम करते हैं लड़की के लिए जो हमारे घर में गढ़वाल शहर में जो इस तो टेहरी साइड में जो देखने देखने वाले पूछ कराने वाले जो बोलते हैं ना, जहाँ देखने दिखाने वाले जिनको बोलते हैं उनको बाकी बोलते हैं गढ़वाल साइड में, तो उनने कहा बाकी लोगों को भी दिखा लेते हैं और वो भी ज़रा हाथ हाथ देख लेंगे, पुछारे लोग हमारे वहाँ इस साइड में पुछारे बोलते हैं, उधर बाकी लोग बोलते हैं। तो दोस्तों उन्होंने कहा पुछारे वगैरह को दिखा देते हैं, वो क्या बताते हैं, जब हमने इतना कर दिया तो थोड़ा और भी सही है, हम अपने पूजा पाठ हमारे वहाँ के हैं तो देख लेते हैं। तो दोस्तों इनने कई जगहों दिखाए तो कई जगहों ने कहा भैया ऐसा निकल रखा वैसे निकल रहा। तो अब दोस्तों उन्हीं दिनों ये कहाँ आ गए, राम और जो श्याम मैंने बोला भाई हैं, तो राम जी जो बैठते थे वो गोलू देवता के वैसी लगाते थे डोली, डेली लगाते थे दोस्तों, संडे को या शुक्रवार के दिन ये लगाते थे। तो दोस्तों अब क्या हुआ दोस्तों, अब जिस दिन इनके वहाँ डेली भीड़ रहती थी दोस्तों, शाम के वहाँ डेली भीड़ रहती है, सुबह अपना नहाते नित्य दिन सुबह नहाते हैं धोते हैं और फिर आह्वान करते हैं गुरु देवता का, उसके बाद दोस्तों गुरु देवता की चौकी लगाने स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों कहीं उसके बाद जैसे ही अब इनने कहा यार क्या करें क्या करें, जब इनने करते करते क्या करें ये वहाँ भी पहुँचेंगे। अब दोस्तों उन्हीं दोनों घर में भी वो भी पहुँचा हुआ था, कौन, श्याम जो दूसरे वाले भाई थे उनके, वो भी पहुँचे हुए थे। अब दोस्तों राम जी जो थे वैसी लगाने बैठते हैं अपने डेली नियम की तरह, जब राम जी ने जब वैसी लगाना स्टार्ट करी तो दोस्तों इनको देखा वहाँ पर सुबह सुबह 7 बजे से इतनी भीड़ रह जाती दोस्तों, बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है। तो दोस्तों वो जब वहाँ पहुँचे तो उन्हें घर से ही अपने गोलू देवता को याद करा था। अब दोस्तों गढ़वाल में जैसे यहाँ कुमाऊँ में गोलू देवता बोलते हैं, गढ़वाल में गोरिल बोलते हैं, ठीक है, गोरिल देवता बोलते हैं गढ़वाल में। तो दोस्तों अब ये जैसे ही वहाँ पहुँचे गोरिल देवता के दरबार में जब पहुँचे वहाँ पर, तो दोस्तों और लोग तो 7 बजे आ गए थे, लेकिन ये कितने बजे पहुँचे, 10 बजे पहुँचे। अब ये 10 बजे पहुँचे तो थोड़ी देर बाहर बैठे, लेकिन वो लड़की जो थी रोते हुए जा रही थी। अब उसके मन में एक ही चीज़ कहा उन्हें, मेरा गोलू देवता मेरा इंसाफ करेगा, मेरा गोलू देवता मेरा इंसाफ करेंगे, और रोते हुए भी दोस्तों आप दोस्तों जब कोई किसी को याद करता ना सच्चे दिल से, तो दोस्तों उसकी पुकार उस दरबार तक जरूर पहुँचती है दोस्तों। आप जब कहीं भी अगर कहीं भी पूछ कराने जाओ या कहीं भी कैसे भी जाओ ना दोस्तों, तो दोस्तों आप घर से ही उन देवता का सुमरण करते हो जाओ कि यार मेरा भला कर देना, मेरा न्याय कर देना, मेरा इंसाफ कर देना गुरु, क्योंकि देवता एक ही होता है दोस्तों, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं भी हो दोस्तों, देवता एक ही होता है, नाम भले अनेक हो लेकिन देवता एक ही होता है। तो दोस्तों उन्होंने क्या करा, वो घर से रोते हुए और वो इंसाफ करने इंसाफ की भीख मांगते हुए जा रही थी गुरु देवता से। अब दोस्तों जब ये 10 बजे वहाँ पहुँचे तो दोस्तों 10 बजे अब और लोग सब देख ही रहे थे कर ही रहे थे। अब दोस्तों जब ये वहाँ पहुँचे तो अब दोस्तों हो जाता आवाज तो अब देवता, तो अब दोस्तों जब ये जैसे ही वहाँ पहुँचे तो गोलू देवता ने वहाँ से इनको धात मार दी गोलू देवता ने, और जोर जोर से नाचने लगे गोलू देवता, तो अब आ रही है मेरे वहाँ पर। और जब ये सारा चीज़ जब सब बर्बाद हो गया, ये हो गया, अब सब वहाँ डर गए, सब कह रहे हैं यार किससे कह रहे हैं, कैसा कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों गोलू देव खूब जोर जोर से वहाँ पर मतलब गोलू देवता गोरिल्ला देवता खूब जोर जोर से हल्ला गुल्ला करने लगे कि तू अब आ रही है, और सब वहाँ पर हैरान हो गए कि यार ये किससे कह रहे हैं किससे कह रहे हैं। तो गोलू देवता ने बाहर को तरफ को दाढ़ी मारी, उन्हें अंदर आया तो वो रोते हुए वहाँ पर चरणों पर आ गई, मुझे मतलब माफ़ कर दो माफ़ कर दो। तो इन्होंने कहा तो अब आ रही है, जब सब वो हो गया इन्होंने एक दाणी उछाली ऐसे करके हवा में उछाली दाणी और दिखाया, उसमें कुछ नहीं आया। दूसरी दाणी उछाली उन्होंने ऐसे हवा में ऐसे करके फिर उछाली तो फिर भी कुछ नहीं आया।
उन्हें देख ले, देख तेरी दाढ़ी देख, कुछ नहीं आ रहा मेरी दाढ़ी में, देख ले अब तू क्या कहती है मुझे, बच्चा कहाँ से कहती है बच्चा है। तो इन्हें कहा प्रभु हमें कुछ आपके बारे में पता ही नहीं था, हाथ जोड़ी इन्हें, प्रभु हमें आपके बारे में कुछ पता ही नहीं था और कभी हमने ऐसा सुना भी नहीं था और हम बाहर रहते हैं और ये सो। इन्हें काफ़ी विनती करी, उन्हें कहा आप क्या करें प्रभु, हमें कोई बताने वाला भी नहीं था, हम तो अनजान हैं। और दोस्तों जब कभी आपको ये कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता दोस्तों, आप अनजान बन जाओ बस भगवान के सामने, प्रभु हम तो ना कि जाननी छो ना कि सुननी, प्रभु हम तो जैसे हमारा लाइट काली सेवा तुम लगा लो तो दोस्तों आपके लग जाती। लेकिन आप जहाँ से बोल दोगे कि मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ, मैं बहुत बड़ा ये हूँ, मैं बहुत बड़ा हमने ऐसा कर रखा, बहुत बड़ा ये कर रखा, तो दोस्तों उतनी ही विधियाँ देवता रखवा देता है। फिर आप जितना बोलोगे ना हम ये विधि से देवता की पूजा करेंगे, हम ये देवता से ये पूजा करेंगे, ये विधि से करेंगे, तो दोस्तों उतनी ही सारी विधियाँ आपसे देवता रखवा देता। फिर आप सीधा कभी भी जाओगे तो देवते के सामने इतना जाके हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, देव तो हम तो अनजान हैं और ना हम कुछ जानते हैं ना कुछ पहचानते हैं, प्रभु तुम्हारे सामने हैं और जैसी तुमने लाइट देखी हम वैसी लगा रहे हैं। तो दोस्तों ये सब क्या हो, लाचार हो गए वैसी। इन्होंने कहा हम तो कुछ जानते नहीं थे, हमें किसी ने बताया भी नहीं और हम जैसे तैसे करके प्रभु आपका परिचय लेकर आ रहे हैं और आप ही ने रास्ता दिखाया हुआ और तब हम आपके दरबार पर पहुँचे। तब गुरुदेवता ने कहा चलो, उन्होंने कहा गुरुदेवता ने कहा चलो ठीक है मैं तुम्हें ये, उन्हें तीन चार दाने दिखा दी, उन्होंने कहा यार सब बर्बाद हो गया, अब तो तुम मेरे पास इतने लेट आ रहे हो लेकिन तुमने फिर भी मेरे पर विश्वास करा है, आज के बाद तू मेरी धर्म की बहन है, तू मेरी बहन रहेगी और तू जहाँ भी जाएगी तेरे साथ मैं चलूँगा। सिर्फ मैं तेरे से वचन लेता हूँ कि जब भी तुम कहीं जाओगे, जैसे कहीं भी जाओगे, तुम अघोर से और इस चीज़ से मुझे बचा देना, और जैसे कोई खाना पीना हो, जैसे बाहर से जो खाना आएगा तुम बाहर का मत खाना, और जो चीज़ होगा तुम्हारे घर पर जो भी चीज़ होगा मैं वो रखूँगा। उन्हें तुम मुझे वचन देते हो तो मैं तुम्हारा ये देखता हूँ, और अगर तुम वचन नहीं देते हो तो भैया मैं कुछ नहीं करूँगा इसमें। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम आपको वचन देते हैं दादू, हम गुरु देवता को दादू बोलते हैं, हम वचन देते हैं आपको, वचन देते हैं करके हम ये सारी चीज़ मान लेंगे, इतना आप हमारे घर पर अगर ये कर दोगे कृपा कर दोगे तो मान लेंगे। तो दोस्तों फिर क्या होता है, गुरु देवता फिर बताते हैं, उन्होंने कहा प्रभु क्या हुआ, मतलब क्या देव दोष जो है और क्या पितर दोष जो है या देवताओं का रागदास जो है क्या है, मतलब ये खराब कैसे हो गया बच्चा, हमें ये बताना जानना चाहते हैं प्रभु जल्दी चलते चलते। तब गुरु देवता ने कहा, उन्होंने कहा ऐसा है ये ना तुम्हारे पितर दोष है ना तुम्हारे घर के देवताओं का दोष है, किसी और का दोष है, तो आपके ये दरअसल जो है ये लड़की जो है इसके मैथ का है और इसके मैथ पर का बचपन में इस पर भूत लगा हुआ है। और दोस्तों वो फिर दोस्तों होता है ना जैसे हर लड़की पे छल होता है दोस्तों, अब दोस्तों जब वो लड़की पे छल होता है तो दोस्तों आप ये क्या करते हैं, जब उसकी शादियाँ वगैरह करते हैं ना, अगर दोस्तों अगर वो छल का पूजा वगैरह कर दिया आपने तो दोस्तों फिर भी विवाह के पहले प्रसाद पहले मतलब दिखा देना चाहिए लड़की को छल। तो दोस्तों अब इनने क्या कहा, इनने कहा हमने तो छल पूज दिया था, उनने कहा जो छल तुमने पूजा था वो कौरमानव देके और ऐसे तुमने पूज दिया था, लेकिन जो इसके पेट में है वो लड़की के पेट में रह गया छल, अब वो नहीं आने दे रहा, आप नहीं होने दे रहा बच्चा। तो इनने कहा हम कैसे मान ले, अब ये तो ऐसा है तो हम मान भी नहीं सकते, ऐसा कैसे हो जाएगा। तो इनने कहा ठीक है तुम नहीं मानते तो मैं करता हूँ अभी। तो इनने गुरु देवता ने पकड़ी दाणी, धर्म की दाणी पकड़ी और वो लड़की की तरफ को फेंकी, तीन चार दाणियाँ लड़की की तरफ को फेंकी और लड़की नाच गई। और दोस्तों अचंभव वाली बात थी, पहली बार लड़की नाची थी घर से बाहर, उन्होंने तो आज तक कभी लड़की नहीं नाची थी। तो दोस्तों लड़की ने बाल खोले, बाल खोलने के बाद दोस्तों मैंने दोस्तों वीडियो देखा है, तो दोस्तों फिर उन्हें उसके बाल पकड़े और बाल पकड़ने के बाद चुना उन्हें खूब ऐसे हिला के और जहाँ की झन बनाई। तो फिर उन्होंने कहा बता मेरे को तू कौन है, उन्होंने कहा दादू तुमने मुझे क्यों बुला दिया और क्या नाम कहते, मैं तो मेरे को न कोई पहचान सका आज और तुमने मेरे को पहचान लिया। तो दोस्तों फिर उन्होंने कहा तू बता ये बच्ची को परेशान क्यों कर रहा है और क्यों इसको पीछे लग रखा है, तो उसका घर बसने दे और सही से अपना वो होता है। तो इन्होंने कहा मेरे को किसी ने आज तक देखा नहीं और ना मेरी खोज हुई ना मेरी खबर हुई, अब तुमने मेरी खबर करी है और तुम्हें पर्चे दूंगा। तो उन्होंने कहा बता तू पर्चे देगा, उन्होंने कहा हाँ मैं पर्चे दूंगा। उन्होंने कहा तू इसको पर्चे देगा तो तू जो जब तेरा पर्चे देंगे इसको तो तेरा हम मान करेंगे, तेरा सम्मान करेंगे, जो तेरा टुकड़ा फुकड़ा जो भी होगा हम तेरे को देंगे, तू क्या नाम कहते हैं बच्चे को फर्क दे आज के बाद। उन्होंने कहा मैं सब फर्क दूंगा और जब क्या नाम कहते हैं तुमने मेरा गुरु देवता तुम जगत के मालिक हो और तुम सब कुछ जानते हो और जब ये सब कुछ हो जाएगा तो मेरा जो टुकड़ा फुकड़ा जो है मेरे को दिलवा देना और मैं आज से बाद लड़की पर हली हल चली चल कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ से इसको फायदा दूंगा दिन रात चौगना और फायदा दूंगा। तो दोस्तों अब क्या होता है, जब भूत चले आता है लड़की पर से चले आता है तब गोलू देवता फिर नाचता है। उन्होंने कहा आप देख ले तू विश्वास नहीं कर रहा था ना मेरे को, आप देख तू क्या है। तब उन्होंने कहा हाँ, फिर उन्होंने कहा अब दोस्तों जो छल होता है ना दोस्तों रह जाता है दोस्तों दरअसल पेट में रह जाता है, तो दोस्तों कहीं पर रोग दोष कुछ भी होता है तो दोस्तों वो चीज़ें निकल जाती है बाद में।
तो दोस्तों अब क्या होता है, गोलू देवता जब इतनी सारी बात इनके सुन लेते हैं, सारी बात कर लेते हैं, अब दोस्तों यहाँ से गोलू देवता उनसे कहते हैं, आज के बाद तुम्हें ये मैकी का तरफ का है, अब तुम मुझे अपना मानते हो और जो मेरे नियम धर्म पे मानते हो तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, और सारे बच्चे की और लड़की की आज के बाद गारंटी मेरी है, दिन रात चौगुनी फर्क ही मिलेगा तुम्हें लड़की पे। तो उन्होंने कहा हमें क्या करना पड़ेगा, उन्होंने कहा पहली बात लड़की को मैके नहीं जाना पड़ेगा अपने, और जो मैके की तरह से कोई भी कुछ भी सामान लेके कोई भी घेट पेटे और कुछ भी लेके आएगा तो इसको नहीं खाना पड़ेगा रेखा को, ठीक है। उन्होंने कहा चलो ठीक हो गया, और उसके बाद उन्होंने कहा तुम्हें मैके का ध्यान भी नहीं रखना जब तक तुम्हारा ये सब कुछ सही नहीं होता। उन्होंने कहा ठीक हो गया, मैं इतना मान लेती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर उन्होंने कहा पूजा, उन्होंने कहा जब तुम्हारा ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम मेरे पास बाद में आना। तो अब इन्होंने कहा ठीक है प्रभु, तो उन्होंने कहा प्रणाम करा वहाँ से, उन्होंने कहा प्रभु तुम ये भेंट देते हैं जो दोस्तों रखते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे भेंट वेट कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा जब भला हो जाएगा तो तुम बाद में जब भी मेरे को अपनी खुशी से दोगे तो मुझे मंजूर होगा तो मैं ले लूँगा। तो दोस्तों अब क्या होते हैं, ये भेंट पकड़ कुछ नहीं पकड़ते वहाँ से और ये चले आते हैं। अब दोस्तों 3 महीने बाद क्या होता है, कॉल आता है उनका कि दाजू लड़की के, राम के पास जब कॉल आता है तो दाजू अब लड़की की तबीयत ठीक है और लड़की पहले से बेटर है और सब कुछ सही है, स्वास्थ्य पानी सब सही है उसका, और उसके बाद अब तो समय और बीत जाता है। ऐसे बीतते बीतते क्या होता है बाद में, मतलब 9-10 महीने जब हो जाते हैं पूरे कंप्लीट, तो लड़की को क्या होता है दोस्तों, एक लड़का होता है स्वस्थ और सुंदर सुशील गुणवान लड़का पैदा होता है। तो दोस्तों जब वो लड़का पैदा होता है तो दोस्तों फिर ये उनको अपने घर में बुलाते हैं, राम जी को घर में बुलाया जैसे वैशोक ऐसोक हो गया था। तो दोस्तों फिर जाके वैशोक होते, वैशोक की जागर लगती है, जागर लगने के बाद जब गोलू देवता को नचाया तो दोस्तों फर्स्ट क्लास पगड़ी चढ़ाई गोलू देवता को, एक पगड़ी बना के इनने पगड़ी चढ़ाई गोलू देवता को, और दोस्तों उनके लिए एक चांदी की अंगूठी, जो चांदी की अंगूठी थी वो अंगूठी बनाई गोलू देवता को चढ़ाई दोस्तों इनने भेंट स्वरूप, और पगड़ी चढ़ाई और ये चढ़ाया। उसके बाद दोस्तों गोलू देवता की जागरा लगाई घर में, जागरा लगी और गोलू देवता नाचे, और नाचने के बाद फिर इनके पूजा का विधि विधान बताया, उसको नचाया भूत को। उन्होंने कहा तेरे को हम ये देंगे और ऐसा देंगे और ऐसा देंगे, तो खुश है या मानता है नहीं मानता। उन्होंने कहा ठीक है दाजू, आप जैसे रहोगे मेरे को, जिस हालत में रखोगे मैं खुश हूँ। तो दोस्तों फिर वो भूत की भी पूजा करी, और भूत की पूजा करने के बाद उनका छल पूजने के बाद दोस्तों फिर ये मतलब गोलू की डंगरिया और ये गए थे दोस्तों इनका जहाँ की मैथ की तरफ को था, तो दोस्तों वहाँ पर खोरा मानव दे दाके ये घर को आए। फिर दोस्तों जब इनने सारा चीज़ करने के बाद दोस्तों ये घर पर अपने आए, घर पर आने के बाद इनने फिर उनकी पूजा वगैरह करी। दोस्तों जब विदाई करी इनने राम की, तो दोस्तों ये उनको पैसे दे रहे थे तो राम ने मना कर दिया, उन्होंने कहा मुझे ये सारी चीज़ें मना है और गोलू देवता ने मुझसे बोला हुआ है। और दोस्तों ये हर डंगरिये को बोलते हैं, गोलू देवता हर डंगरिये को बोलते हैं कि जब भी तुम कहीं पर जाओ तो तुम भेंट स्वरूप कुछ नहीं मांगोगे, जो तुम्हें श्रद्धा से दे देगा तो वो रख लेना, लेकिन तुम ऐसे कुछ नहीं मांगोगे। तो वो पकड़ा रहे थे पैसे इनको, तो उन्होंने कहा तुम्हारा इतना होता है, उन्होंने कहा नहीं मेरे को कुछ नहीं होता है, मैं ये अपनी श्रद्धा से आया हूँ और गोलू देवता ने मुझसे मना करा भेंट स्वरूप, तुम्हारा भला हो गया है। और दोस्तों एक चीज़ है ना, जब कभी किसी का भला कुछ भी किसी ने करा होता दोस्तों ने, तो दोस्तों उसके घर में वो दोबारा आता ना दोस्तों, तो वो इतना खुश होता है, इतना आदर सम्मान और दिल से उसका स्वागत करता है दोस्तों। और दोस्तों किसी से अगर तुम जबरदस्ती या किसी से वैसे पैसे लेके करा भी दोगे और कभी किसी घर पे जाओगे ना दोस्तों, तो दोस्तों वो मन में यही उत्सव रहता है उसके मन में कि यार मैंने इसको पैसे दिए हैं और इतने पैसे में आए, फ्री में थोड़ा आया। और दोस्तों वही जैसे हमारे घर में दोस्तों आज देखो जगरिया वगैरह कितने भी आते हैं तो दोस्तों एक बार के ले आते हैं पैसे अपने और बोल के आते हैं मैं इतने पैसे लूँगा इतने पैसे लूँगा। अब दोस्तों जब आते हैं तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों उनको जो पैसा दिया जाता है तो दोस्तों उसमें भी वो बोलते हैं इसमें नुकार और छोटा मोटा करके दोस्तों उनकी पूजा दरअसल फिर ख़राब हो जाती है। दोस्तों आदमी को खुशी मन से जाना चाहिए दोस्तों, उनकी रोजी रोटी और जीवन व्यापन किसकी वजह से होता है, देवते की वजह से होता है दोस्तों। तो दोस्तों उनको देवते के कार्य में खुशी मन से जाना चाहिए और दोस्तों तो उनकी लाइफ सारी काम जो काम के लिए जाते हैं दोस्तों तो ऑटोमेटिक सारे काम उनके सफल होते हैं दोस्तों, जो देवता लोग घर पर अगर जो जगरिए वगैरह जो जादू वगैरह जाते हैं। तो दोस्तों फिर इनने कहा मेरे को आपका भेंट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मेरे को दादू गुरिया ने मना करा है। और उसके बाद दोस्तों इनने वहाँ से पकड़ा और दोस्तों जो गोलू देवता को इनने चढ़ाई थी पगड़ी वगैरह, तो दोस्तों जब ये आसन में बैठते थे तब पगड़ी पहनते थे गोलू देवता की, और दोस्तों जब ये
अंगूठी जब नाचते थे तब गुरु देवता की अंगूठी पहनते थे और उसके बाद ये मंदिर में ही रख देते थे अपना सामान। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, फिर ये कभी भी जब उनके घर में पूजा वगैरह होती थी तो ये इनको बुलाते थे नाचने के लिए 6 महीने में, साल भर में। तो दोस्तों ये खुशी खुशी जाते थे। और दोस्तों आज वो जो लड़का था जो मरने से, जिसको मतलब पूरे साइंस ने, जिसको डॉक्टरों ने, सब ने बोल दिया था मरा हुआ घोषित कर दिया था, तो दोस्तों आज वो लड़का 10 साल का है और पढ़ रहा है और अच्छे से अपने घर का नाम चला रहा है दोस्तों, और मम्मी पापा उनका सब चीज़ कर रहा है। तो दोस्तों एक बार दिल से बोलेंगे बोलो गुरु देवता की जय। और दोस्तों यह कहानी बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है, ऐसी नहीं मनगढ़ंत वगैरह ऐसे कुछ नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी तो मुझे बताना। और दोस्तों अब मैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो सवाल जो आज पूछे हैं उनने, तो मैं उनके जवाब देते हुए वीडियो का एंड करूंगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों सबसे पहला सवाल आया हमारे पवन कुमार जी का आया है। पवन कुमार जी ने बोला है सर आप कलवा देवता के बारे में वीडियो बनाओ कोई करके। पवन कुमार जी मेरा वीडियो में, मैं आपको उसमें लिंक भी दे दूंगा, मैंने कलवा देवता के बारे में बनाया है वीडियो पूरा। और अगर कोई आपके पास ऐसे कोई कलवा देवता की सच्ची घटना या कुछ ऐसा है तो आप मुझे भेज सकते हैं, मेरा फेसबुक है। और मेरा फेसबुक आपको कोई, जैसे मेरे एक सब्सक्राइबर का और आया था कि सर आपका फेसबुक किस नाम से है, तो आपको कोई और नाम सर्च करने की ज़रूरत नहीं, आप हेमचू पहाड़ी सर्च करो फेसबुक में भी तो मेरा चैनल आ जाएगा दोस्तों आपके पास, ठीक है। तो आपको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं, सीधा हेमचू पहाड़ी सर्च करो आप फेसबुक में। हमारे अगले सब्सक्राइबर जी रेखा जी का आया था कि सर आप सही कह रहे हो बिल्कुल, और ये ऐसी ऐसी बात है, और नरसिंह देवता और गोलू देवता और माता भवानी वगैरह जो भी हैं, तो ये चाहे तो मतलब किस्मत वगैरह बदल सकते हैं ज़रूर। देखो नरसिंह देवता, गोलू देवता और जो कोई भी है, ये मतलब मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकते हैं, इनकी शक्तियाँ अपरंपार हैं क्योंकि देवताओं के अवतार हैं। ये परिस्थितियों के अनुसार होता है रेखा जी, जैसे अगर परिस्थितियाँ क्या है तुम्हारी और क्या स्थिति है और क्या तुम मतलब किसी की कॉल पुकार ऐसी है या, तब जाके वो मतलब देवता लोग मतलब उन पर आ जाए ना, जब किसी पर आ जाती है तभी जाके वो करते हैं। नहीं तो आप ऐसे कोई किसी का वचन कहीं पर होता है ना, कहीं पर हम जवान दे बैठते हैं और जवान देने के बाद कुछ अनहोनी हो जाती है तब करते हैं। आप अगर देखोगे ना जितने भी मतलब जो बोला है, जैसे आप महादेव ने उनको हमारे पुत्र को पुनः जीवित कर दीजिए, आपने हमारे पुत्र का विनाश किया है तो आप ही हमारा पुत्र हमें लौटाएंगे। आप सभी को विनायक को आशीर्वाद देने आए थे ना, पुनः जीवित करिए हमारे पुत्र को। ये संभव नहीं, जब उनको मारा था कामदेव और रति को मारा था, तो मारने के बाद क्या करा, उनको वरदान दिया था, वो मतलब भविष्य ने बताया था कि वहाँ से उनको वरदान दिया था कि भविष्य में ऐसा ऐसा होगा, तुम कृष्ण के पोते वहाँ आगे जब बनोगे तो वो वरदान से संतुष्ट होगे। जैसे भीष्म पितामह गए थे, उनको भी उनके पिताजी ने वरदान ही दिया था, मतलब अच्छे कर्म करे उनके पिताजी ने बोल दिया ऐसा होगा, मैंने जिंदगी भर पाप नहीं कराऊंगे। तो उसी तरह ये होता है कि देखो भविष्य क्यों, जो मतलब जो अगर कोई बोल दे कि भविष्य देखने की शक्ति किसी में है, मतलब पूरा जो बता सकता है पूरा, तेरा कल ये होगा, आज ये होगा, परसों ये होगा, तो ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। भगवानों की तो मैं बातें नहीं कर, भगवान तो भैया वो अनहोनी को भी होनी कर देते हैं और अनहोनी को भी वो कर देते हैं, लेकिन भगवान भी कभी आप देख लेना, कभी आप जैसे विष्णु जी की, ऐसा मानव आपने बनाया ही क्यों नारायण, जो आपकी बनाई धरती पर अंधेरा फैला रहा है। कि हम केवल दिन बनाते, नव को बनाया है देवी, मानव इतिहास को बनाने का कार्य हमने अपने हाथों में नहीं रखा। नीला तो आप ही स्वयं जानते हैं पद्मनाभ, पूरी लीला उठा के देख लेना, शिव शंकर जी की लीला उठा के देखना और पूरा इनका देख लेना पूरा वितरण। जैसे आप गुरु गोरखनाथ जी का ही देख लेना, अगर गुरु गोरखनाथ जी ने जब उनने उनके पुत्र होने थे, क्या नाम कहते हैं, जब गोगा जी महाराज जब पैदा होने वाले थे तो उनके पास गोगा जी और नरसिंह सिंह जब पैदा होने वाले थे तो उनके लिए भी वो पुत्र योग नहीं था, वो अनहोनी को होनी करने जा रहे थे, तो उनको इस काम के लिए चोरी करने पड़ी, खुद चोरी करने पड़ी नीचे पृथ्वी लोक पर जाके, तब जाके गोगा जी महाराज जी पैदा हुए थे। तो ऐसा कोई भविष्य देखने का मतलब ऐसा कुछ नहीं है किसी के पास, अगर आप कहोगे तो ये जो भी है भगवानों की लीलाएँ हैं। और भगवान कभी खुद नहीं चाहते हैं, गुरु गोरखनाथ जी ने खुद बोला है कि प्रकृति के कार्य में हम पता होते, उन्हें पता होता है सब कुछ, लेकिन वो कभी किसी को, अगर कोई जैसे मेरे को बोल देगा कोई कल तेरी मौत होने वाली है तो ऐसे, तो यार मैं तो अपने पूरे तेरे साथ कल ये घटित होने वाला है ऐसे ऐसे इतने बजे से इतने बजे तक, तो भैया मैं अपना पूरा बचाव करूँगा। अब ऐसे अगर हर किसी को पता लगने लग जाएगा तो वो हर कोई करने लग जाएगा, तो इसलिए भगवान कभी भी हो तुम्हारे जो पीछे तो तुमसे गलतियाँ हो रखी हैं वो गलतियों को सुधारते हैं, आगे तुम्हारी पीढ़ियों में ये बाधाएं ना आए। और जैसे किसी ने शराब दिया रहता है, किसी ने दोष दिया रहता है कि तेरे कुल में ये हो जाएगा, इतना टाइम तक ये रहेगा, तो वो दोष का निवारण भगवान करके तुम्हें बता सकते हैं कि ये दोष का निवारण आगे ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, वो शांत हो जाएंगे।
तो ये ऐसे होता है रेखा जी, आप मतलब हो सकता है मैं गलत भी हूँ तो, लेकिन आप ट्राई कर लेना कहीं और, तो उसमें मेरा मतलब आपको देखो मेरे सब्सक्राइबर संतुष्ट होने चाहिए, अगर आपको थोड़ा भी डाउट या कुछ भी हो तो मेरे को बोलना, फिर से हम जवाब। हमारे गौरव जी, गौरव जी ने हमसे पूछा है कि सर गोलू देवता के गुरु कौन थे, और देखो गौरव जी मेरे आपने पूरा वीडियो सही से देखा नहीं होगा, अगर आपने वाला वीडियो और सब अगर वीडियो देख लोगे तो मैंने उसमें बोला हुआ है कि गुरु के वहाँ से शिक्षा प्राप्त करके आते हैं, तो गुरु कौन थे उनके, गुरु गोरखनाथ जी को मैंने बोला था ना उसमें, गुरु गोरखनाथ जी के वहाँ से शिक्षा लेकर आते हैं, और मैंने ये बोला उनके मामा हो गए हरू सैम और ये हरजू देवता इनके मामा हुए, तो ये मतलब आप देख लेना वहाँ से तब जाके आप बोलना, ठीक है। सब्सक्राइबर में बबीता जी ने हमसे पूछा है कि सर उनके साथ माता भी रहती है और माता के बारे में बताओ, मैं ज़रूर बताऊंगा जब माता के वीडियो में मैं आऊंगा तो पूरा आपको पूरा बताऊंगा वीडियो माता रानी के, कौन सी माता रहती है क्या रहती है ना, उनके बारे में मैंने हल्के हल्के जब वाली कहानी बनाता था तो उसमें मैंने दिया है कि गोल देवता के साथ एक नहीं चलते हैं, कई लोग चलते हैं, ठीक है, अन्याय करके और सबके देवता वही होते हैं, तो मतलब जमीन और सब कुछ मतलब पूजा का अधिकार बताने वाले यही होते हैं देवता, गोलू देवता, ठीक है, क्योंकि जहाँ भी माता वगैरह पूज वगैरह करते हैं ना, जैसे माता वगैरह कहीं भी पूज करते हैं तो वो उसमें जो अगवानी करते हैं गोलू देवता ही करते हैं, ठीक है, जो दाणियाँ और जो माता दाणियाँ देखती है ना, दाणियाँ जो कहती माता ऐसे देखती है दाणियाँ देखते हैं, तो अगवानी गोलू का ही आदेश होता है, दाणियाँ देख जो माता गोणियाँ दाणियाँ देख के ऐसे करते वो करते हैं तो वो गोलू का ही होता है, ठीक है। माता जो माता तो बस माता है, माता सबके रक्षा करती है हमेशा, जो लेकिन दाणियाँ देखना ये करना वो विचार विचार करना वो सब गोलू की दाणियाँ चलती हैं, ठीक है। हमारे अगले सब्सक्राइबर हैं आध्यात्मिक चैनल वाले, तो उनने भी काफ़ी बोला है सर आप बहुत अच्छी मतलब कहानी है, तो आप इनका भी चैनल है वहाँ पर आध्यात्मिक चैनल है, आप वहाँ पर जाके इनको भी सब्सक्राइब कर सकते हो और देख सकते हो आध्यात्मिक चैनल वालों को भी। हमारे अगले सब्सक्राइबर हैं जय सिंह जी, उनने बोला है सर जयाली माता और अन्यारी माता दोनों बहनें हैं, बिल्कुल जी आपस में दोनों बहनें हैं, और एक माता को बकरे की बलि चढ़ती है तो एक माता को मुर्गे की बलि चढ़ती है, तो आप मतलब जब मैं कहानी पर आऊँगा माता अन्यारी देवी और उजारी देवी तो मैं इनकी कहानी ज़रूर आप लोगों के साथ तक पहुँचाऊँगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों सभी लोग संतुष्ट होंगे, और अगर जो जो सब्सक्राइबरों के मन में डाउट या कुछ भी अगर हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स मेरे खुले हैं, और जिस किसी दोस्त के या जिस किसी के मन में, किसी के भाई के, किसी सखू या बंदे बहन भाई, जिस किसी भाई बहन सखे बंदे जो भी हो हमारे छोटे भाई वगैरह, कोई अगर कुछ पूछना चाहता है मुझसे कभी भी, या मतलब ऐसे नहीं तो उन्होंने कहा चलो मैं कोई पर्सनली या व्यक्तिगत कुछ भी अगर पूछना चाहता है तो मेरी फेसबुक लाइन पर आ जाए, और यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। देखो मैं जितना हो सकूँगा आपकी मदद ही करूँगा दोस्तों, ठीक है, और ऐसा नहीं कि जितना हो सकेगा दोस्तों मेरी तरह से आप प्रयास ये रहेगा कि दोस्तों जो हमारी पीढ़ियाँ भूलते हुए जा रही हैं, और मेरे साथ दोस्तों एक नहीं कई यूथ जुड़ चुके हैं, और जो साथी लोग मुझसे लगातार पूछते आ रहे हैं लगातार, और दोस्तों क्योंकि अब जो कहते हैं ना जो पहाड़ों में जो देवते आते हैं न्योतार देवते आते हैं दोस्तों, तो घोड़ा तो नया ही पकड़ते हैं दोस्तों, अब जब बोलते हैं पुराना पत्ता झड़ता है तो नए पत्ते पर आते हैं दोस्तों, तो दोस्तों अब वो नए पत्तों पर आ रहे हैं दोस्तों, अब दोस्तों जो नए नए पत्तों पर आ रहे हैं तो दोस्तों वो सब मुझसे जुड़े आ रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ भगवान की दुआ से सबके घर में गोलू देवता खेले दोस्तों, घर के कुलंकारी इष्ट हैं और उनका कृपा दृष्टि पूरे उत्तराखंड वालों पर बनी है और आगे भी बनी रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो सभी मेरे नौजवान साथी और मेरे बूढ़े बुजुर्ग जो साथी लोग हैं, और जो कोई भी अगर भगवानों के बारे में जानता है या कुछ भी जानता है तो दोस्तों वो लगे कि यार हाँ ये देवते अहमदेव मित्र क्या करते हैं, अब उनके पास देवता आते हैं, वो जिंदगी भर उनने वो देवते के नाम से रोटी खा रखी है दोस्तों, तो वो देवते का प्रचार करने का फर्ज उनका होता है दोस्तों, क्योंकि अब वो देवते के नाम से देखो जिसने जितना जी लिया वो तो है, लेकिन वो देवते के नाम से दोस्तों प्रचार हमारा करना फर्ज होता है दोस्तों। जिस किसी के साथ अगर सच्ची घटना हुई है कुछ भी ऐसा हुआ है तो दोस्तों ये छिपाने वाली चीज़ नहीं होती है, भगवान भी अपने प्रचार के लिए भला करता है, जैसे आप रावण को देख लो ऊपर से जितने भी देख लो दोस्तों इनने क्या करा अपनी भगवानों का प्रचार करा दोस्तों, महादेव के परम भक्त थे तो महादेव के भक्त कहलाए ना दोस्तों, एक नहीं दोस्तों अपने 10 सर काट के बलि दी थी महादेव को दोस्तों, तो दोस्तों बाणासुर हो गए महादेव हो गए और ताड़िकासुर हो गए ऐसे जलंधर हो गए, कितने ऐसे भगत हैं महादेव के जिनने क्या नाम कहते दुनिया को जीता है दोस्तों और भगवान की भक्ति का प्रचार करा है दोस्तों, ये नहीं कि हमारे आज गुरु देवता ने कितने घर घरों में इंसाफ करते हैं गुरु देवता घर घरों का भला करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं दोस्तों उनकी लीला का प्रचार करने से दोस्तों हम फिर भी कतरा रहे हैं दोस्तों, तो दोस्तों मेरी यही रिक्वेस्ट है कि गुरु देवता की भक्ति और प्रचार जितना हो सके दोस्तों, और जो सत्य घटनाएं हैं जो सत्य कथाएं हैं तो दोस्तों मेरे को तो दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं आ रही हैं दोस्तों कि दोस्तों आप लोग विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, आप ये यही घटना पर देख लो दोस्तों विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, लेकिन दोस्तों हकीकत घटना है सही 101% सत्य घटना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जब तक के लिए
नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने मेरे वीडियो को वॉच करा, देखा, और दोस्तों कोटि कोटि धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का, ठीक है।